और अब बात क्रिकेट के विराट युद्ध की। कल वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया खिताबी जंग के लिए भिड़ने जा रहे हैं। मैच को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोगों ने भारत की जीत के लिए हवन यज्ञ शुरू कर दिया है, तो कहीं लोग पेंटिंग बनाकर इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। फैंस मंदिरों में आरती करके भारत की जीत की मनोकामना कर रहे हैं और साथ ही जीत के नारे लगाकर टीम में जोश भरने की कोशिश भी की जा रही है। तो उधर टीम इंडिया ने भी जीत के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया है। बता दें कि दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला रविवार दोपहर 2 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। मैच का खुमार इस तरह से छाया हुआ है कि होटल से लेकर स्टेडियम तक सब कुछ फुल हो गया है। तो वहीं गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़ गए, यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वर्ल्ड कप का खुमार अब और भी ज्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब सीधा तारीख सामने आ चुकी है और ऐसे में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में किस तरह से टीम इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विश्व कप का फाइनल मैच होगा और वहीं इसी को लेके गुरुग्राम में अगर बात करें तो अलग अलग जगह हवन यज्ञ किए जा रहे हैं भारत की जीत के लिए। वहीं 20 साल बाद, जो कि 2003 में एक बार भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो है आमने सामने हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं अब 20 साल बाद जो है भारत एक बार फिर कह सकते हैं कि बदला ऑस्ट्रेलिया से ले सकता है। और इसी पर मैं बात करूंगा, नेहरू स्टेडियम में हूँ, यहाँ पर कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कल एक महामुकाबला है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल, तो किसे आप देखते हैं और कितना उत्साह है, किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए, हम तो चाहेंगे भारतीय टीम जीते हमारी, और 2003 में फाइनल मुकाबला हुआ था दोनों टीमों के बीच में। अगर उस टीम में देखो और आज की जो लय है भारतीय टीम की टीम में, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दबी हुई टीम है, और उस हिसाब से अगर जो वर्ल्ड कप में जो हम देखेंगे अगर प्रदर्शन भारतीय टीम का, तो उसमें भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऊपर रहा है। बस भारतीय टीम किसी भी तरह का एक मानसिक दबाव भारतीय टीम पर नहीं आना चाहिए। अगर वो दबाव उन पर खिलाड़ियों पर नहीं आया तो निस्संदेह अच्छे अंतर से वो हराएंगे। अगर पहले इंडिया खेलती बैटिंग करती है तो अच्छे अंतर से हराएंगे, क्योंकि बड़ा उनको स्कोर देने का पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि हमारे जो ओपनर हैं, खासकर राहुल शर्मा और उनके साथ जो रहे रोहित शर्मा, तो वो ओपनिंग अब तक बहुत अच्छा खेल रहा है, कैप्टन बहुत अच्छा खेल रहा है, और उसके बाद मध्यक्रम में जब आते हैं तो विराट कोहली जी और अय्यर जी जो ये खेलते हैं, तो इनका फिर रविंद्र जडेजा, ये बेहतरीन एक बल्लेबाजी चल रही है। और बॉलिंग में जैसे हमारा मिक्सअप चल रहा है, और मोहम्मद शमी का जो एक जब भी ओवर डालता है, सेमीफाइनल हमने देखा, कहीं ना कहीं हम मैच हमारे हाथ से जा रहा था, शमी ने मैच को वापसी करवाई और एक अच्छी जीत देश को दिलाई है, तो वो फाइनल में भी वो होगा ऐसी आशा में। देखिए, साफ तौर पे लोगों को भी यही उम्मीद है कि कल का जो मुकाबला है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो कहीं ना कहीं भारत जो है उसे जरूर जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके की लय इस पूरे विश्व कप में भारत की देखी गई है, सभी 11 के 11 मैच जो है भारत ने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में जिस तरीके से मोहम्मद शमी ताबड़तोड़ विकेटें उन्होंने लगातार मैच में ली है, तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह लोगों में कल के मैच को लेकर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और भिवानी से हमारे साथ दीपक मुटेचा भी जुड़ गए हैं। देखिए दीपक, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, लोग अलग अलग तरह से उत्साहवर्धन टीम इंडिया का कर रहे हैं, अगर हम भिवानी की बात करें तो वहां पर भारत यानी कि टीम इंडिया की जीत के लिए किस तरह से उनकी जीत की कामना की जा रही है? बता दूं कि जिस प्रकार से कल इस तरह से मैच है, आप देख सकते हैं भिवानी के अंदर जो एकेडमी के अंदर जो है खिलाड़ियों में काफी जोश है, खिलाड़ी देख सकते हैं जिस प्रकार से भिवानी के अंदर खड़े हैं, लगातार जो फैंस हैं वो लगातार उम्मीद जता रहे हैं कि भारत जो है इस बार जीत करके दिखाएगा। हमारे साथ कोच भी हैं और आपको बता दें कि कुछ रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कल को लेकर के क्या इनके मन में है। सर क्या कहेंगे आप, इस प्रकार से कल मैच है, क्या कहेंगे आप? इंडिया इसके अंदर फेवरेबल है और उम्मीद ये है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगा इस बार, क्योंकि इंडिया की टीम हर फील्ड में चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारे बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, नंबर 7-8 तक हर बैट्समैन अच्छा कर रहा है, और बॉलिंग के अंदर शमी हो चाहे हमारे मीडियम पेसर बुमराह हो चाहे जडेजा हो, सारे अच्छा कर रहे हैं। और उससे पहले हम लीग मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं और लगभग हम 10 मैच लगातार जीत चुके हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच की सीरीज थी, वो सीरीज भी हमने जीती थी, उसको देखते हुए इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है कि इंडिया कल वर्ल्ड कप जीतेगा।
बिल्कुल जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इंडिया जिस प्रकार से उम्मीदें जताई जा रही है जीतेगा, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी है मयंक शांडिल्य जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की उम्मीदें हैं आपको, क्या कहेंगे? उम्मीद बहुत ज्यादा है इसके बार इंडिया टीम से, और हम चाहते हैं कि वो इसके बार वर्ल्ड कप जीते और हम वर्ल्ड कप के बार इंडिया में लाएं, और लाना भी चाहिए क्योंकि इंडिया इसके बार बहुत ही अच्छा कर रहा है, सारे मैच वर्ल्ड कप में जीते हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और हम चाहते हैं कि इसके बार वर्ल्ड कप इंडिया में। सभी को उम्मीदें हैं, सभी चाहते हैं कि इंडिया जो है वो जीते, सर क्या कहेंगे आप, भी लगातार उम्मीदें जता रहे हैं। इंडिया टीम बहुत अच्छा कर रही है, बॉलिंग डिपार्टमेंट है हमारा वो बहुत अच्छा कर रहा है, मोहम्मद शमी है, बुमराह है, अपना सिराज है और जडेजा है, और जो सबसे बड़ी बात है जो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो हर एक प्लेयर सही सही है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये सब शुभम गिल है, ये सब अच्छी परफॉर्मेंस करे, हर एक बैट्समैन टच में है, हर एक बॉलर टच में है और अच्छा आउटस्टैंडिंग। और देखिए दीपक, जिस तरीके से टीम इंडिया का अब तक का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में लोगों जो है ज्यादा दावेदारी यानी कि ज्यादा भरोसा भी है कि टीम इंडिया इस बार बेस्ट करेगी, क्योंकि अब तक फिर चाहे बैटिंग ऑर्डर की बात हो या बॉलर्स की बात हो, काफी अच्छा प्रदर्शन सबका देखने को मिला है। सरबजीत, अगर यमुनानगर की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से वर्ल्ड कप को लेकर के उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर भारत की बात की जाती है तो भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं होता, यहाँ पे तो उसको एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। भारत के अंदर क्रिकेट मनाया, इस बार जो है भारत कप के अंदर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसका 2000 ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, लेकिन भारत की टीम हार गई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से भारत की टीम का प्रदर्शन चल रहा है, सभी के सभी मैच भारत की टीम ने जीते हैं, उसमें भारत की टीम में काफी जोश है, जिसको लेकर जो है भारतीय टीम तो जहाँ पूरे फॉर्म में दिखाई दे ही रही है, लेकिन जो उनके फैंस हैं उनमें भी काफी जोश है, वो भी चाहते हैं कि भारत की जो वर्ल्ड कप की टीम है वो बिल्कुल इस मैच को जीतेगी। हमारे साथ कुछ फैंस हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शर्मेंद्र गुसाई नाम है मेरा। शर्मेंद्र जी, जिस तरह से इस बार भारत की टीम जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, कैसा लगता है कि आजकल वर्ल्ड कप है अहमदाबाद में होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम पूरी जोर के साथ ये कहते हैं कि कल इंडिया 110% जीते, और ये हमारी इच्छा भी है और हमारी कामना भी है कि वो इंडिया 110% जीतेगा ही जीते। तो जागृति और भी है हमारे साथ, हम बात करते हैं जो फैंस है भारतीय भारत टीम के, क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष जी, जिस तरह से इंडिया की टीम का बहुत बढ़िया प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कहेंगे, कौन कौन सा खिलाड़ी कैसा कैसा प्रदर्शन कर रहा है? इस बार इंडिया की टीम सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, हर प्लेयर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हर प्लेयर को अपना रोल पता है, वो अपना रोल सही तरीके से निभा रहे हैं। बिल्कुल सरबजीत, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हर जगह से अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रही, जहां आज लोगों के मन में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। काश अगर बात की जाए गुरुग्राम की, हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी जहां पर लोग कहीं पर मनोकामनाएं मांग रहे हैं, कहीं पर दुआओं का दौर जारी है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते, अपनी धरती पर 2023 का यह विश्व कप उठाए। ऐसे में अगर हम बात करें, आपके पीछे कई लोग भी खड़े हैं, फैंस उनके बहुत सारे हैं, किससे किस खिलाड़ी से किस तरह की उम्मीद इस बार जताई जा रही, क्योंकि अगर हम बात करें बॉलर्स की, बैट्समैन की, सभी का इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन फिर भी अपने एक फेवरेट प्लेयर से खासा उम्मीद दर्शक फैंस रखते हैं। जी बिल्कुल जागृति, विश्व कप की अगर बात करें तो इस बार भारत में ये विश्व कप क्रिकेट का होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये विश्व कप भारत में हो रहा है तो ये क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि त्योहार, जो कि ये क्रिकेट माना जाता है हिंदुस्तान में एक त्योहार के रूप में, और जब फाइनल मैच होता है तो कहीं ना कहीं सभी लोग हवन यज्ञ करते हैं, अलग अलग जगह स्क्रीन लगाते हैं और भी तमाम तरीके से भारत की जीत के लिए जो है दुआ करते हैं। तो वहीं कुछ खिलाड़ी हैं उनसे बात कर लेते हैं, कल का एक महा मुकाबला है किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बात करें किस खिलाड़ी से आपको ज्यादा उम्मीद? सर मेरे को सबसे ज्यादा अपने विराट कोहली से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि कल के मैच में वो शतक मारे और अपनी टीम इंडिया को जिताए और वर्ल्ड कप जीते। देखिए विराट कोहली से काफी उम्मीदें जो है खिलाड़ियों को हैं, आप बताएं इससे आपको ज्यादा उम्मीदें हैं, उस लगातार क्रिकेट अब तक भारत का क्रिकेट में प्रदर्शन रहा है? कप्तान रोहित जडेजा, उससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो अब तक का बहुत उसका शानदार प्रदर्शन रहा टीम का, टीम के लिए,
और वो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहा है, कप्तानी रविंद्र जडेजा। देखिए रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, तमाम जो खिलाड़ी इस पूरे विश्व कप में, जब बात करें रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, श्रेयस अय्यर की, सबसे उम्मीदें जो है खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं है। आप बताएं आपको किससे उम्मीदें हैं कल का जो मुकाबला है उसमें? मुझे तो सब प्लेयर से बहुत उम्मीद है कि वो अपना वर्ल्ड कप जीतेंगे और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। देखिए सब यही दुआ कर रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अलग अलग जो बात करें, जहाँ हवन यज्ञ हो रहे हैं या स्क्रीन लगाई जा रही है, सब भारत की जीत के लिए यही दुआ कर रहे हैं कि कल का जो महा मुकाबला विश्व कप का भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फाइनल होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत जो है 20 साल जो कि एक बार 2003 में, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2003 का जो विश्व कप का फाइनल हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत जो है वो हासिल की थी, लेकिन अब 20 साल बाद जो बदला कहीं ना कहीं भारत लेने के लिए एक बार फिर मैदान में उतरेगा, अहमदाबाद के स्टेडियम में जो है ये पूरा मुकाबला होगा। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बात करें जो अहमदाबाद का ये स्टेडियम है, उसमें टिकट की बात करें तो फुल जो स्टेडियम इस समय वो हो रखा है, कहीं ना कहीं टिकट जो है वो लोगों को नहीं मिली। बिल्कुल आकाश, देखिए टिकट्स की बात की जाए, स्टेडियम की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, सब कुछ अहमदाबाद में फुल हो चुका है। और जिस तरीके से आपने बात की ऑस्ट्रेलिया की, तो बिल्कुल हिसाब बराबर करने का ये भारतीय टीम के पास एक बेहतरीन मौका है। और जो फैंस है उनका कॉन्फिडेंस इसलिए भी अब डबल हो जाता है क्योंकि अब तक के 10 मुकाबले वर्ल्ड कप में भारत ने खेले और 10 की 10वीं जीत हासिल करी। सरबजीत आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आकाश जिक्र करते आए कि कई जगहों पर स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है, लोग वर्ल्ड कप के मुकाबले को देखने के लिए स्पेशल तरीके से स्क्रीन लगा रहे हैं, जगह जगह पर उसकी बंदोबस्त किए गए हैं कि लोग वहां पर मैच देख सकें, यमुनानगर में भी क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि वर्ल्ड कप का मैच लोग देख सकें? बिल्कुल गगनी, जिस तरह से देखा जाए यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाने का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबंध किया गया है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो मैच होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस स्टेडियम के अंदर उपस्थित रहेंगे, स्वयं मैच देखेंगे, तो यमुनानगर के अंदर कैबिनेट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्होंने व्यवस्था की है एक बड़ी स्क्रीन पर, जहां लोगों को इसका मैच देखा जाए, क्योंकि यमुनानगर के अंदर जो क्रिकेट मैच खेलने वाले जो फैंस है, जो टीम के फैंस है, उनकी कमी नहीं है। मैं आपको बता रहा था हमारे पास फैंस है, हम बात करते हैं, आपका नाम बताया था आपने रहा अपना मनीष जी, तो मनीष जी आप क्या मानते हैं जिस तरह से कल मैच होने वाला, फाइनल मैच होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बदला लेगी 2003 वाला? जैसे कि आपको पता अभी दिवाली भी है, भारत की जो टीम है हमें दोबारा दिवाली बनाने का मौका देगी, 1 लाख लोगों ऑडियंस की कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और एक लाख लोग तो एक साथ जय श्री राम का नारा लगाएंगे और हमारी टीम जीतेगी और हम दोबारा दिवाली मनाएंगे। तो देखिए जागृति, मनीष से ये कह रहे हैं कि एक बार फिर भारत यह दिवाली मनाएगा और वर्ल्ड कप का मैच जो है डेफिनेट जीतेगा। बिल्कुल दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे, यमुनानगर में भी कई जगहों पर स्पेशल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, क्या इसी तरह की तस्वीरें भिवानी में भी देखने को मिल सकती हैं, वहां पर भी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है ताकि लोग जो है एक बार फिर से दिवाली मना सकें, क्योंकि भारत की जीत मतलब एक बार फिर से दिवाली का मौका जनता को। बिल्कुल जागृति, आपको बता दूं कि दीपावली जैसा त्योहार जिस प्रकार से मनाया गया था पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसी प्रकार से जो त्योहार की तरह ही भिवानी के अंदर क्रिकेट मैच को है देखा जा रहा है। भिवानी में जो थिएटर है उसमें तो एंट्री तक जो है वो फ्री कर दी गई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई गई है, और वैसे जो रणजी ट्रॉफी है राहुल, इनसे भी हम बात कर लेंगे, इनके लिए क्या मानते हैं, कौन सा खिलाड़ी जो है इस बार जो है किससे कितनी उम्मीद मानते हो आप? इस बार हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, रोहित शर्मा को अपना पावर प्ले वाला गेम खेलना पड़ेगा जैसे वो खेल रहे हैं, और विराट कोहली को इनिंग संभालनी पड़ेगी जैसे वो संभालते आ रहे हैं। अब स्टार्टिंग से अच्छा स्टार्ट तो रोहित शर्मा दे ही रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली को आखिरी तक कैरी फॉरवर्ड करना होगा, और बीच में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का सपोर्ट मिल जाएगा तो टीम को अच्छे रन बन जाएंगे, और बाद में बॉलिंग में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं, और बुमराह बहुत अच्छे स्पेल डालते हुए आ रहे हैं, और स्पिनरों में कुलदीप यादव का बहुत अच्छा योगदान रह गया है अब इंडियन टीम के लिए, ऐसे ही योगदान देते रहेंगे तो इंडियन टीम इस बार जीत जाएगी वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया को मात दे पाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से उम्मीदें जताई जा रही है कि इंडिया जो है जीते, आप देख सकते हैं पीछे जिस प्रकार से जो फैंस हैं वो लगातार जो है नारे लगा रहे हैं, इंडिया जीतेगा नारे,
बिल्कुल दीपक, और देखिए इंडिया इंडिया का जो नारा है वो भी फैंस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश देखिए, अब तो हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है कि आखिरी मुकाबला है और वर्ल्ड कप हमारा है। गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्टेडियम होंगे, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है ताकि कल जो बच्चे हैं या जो फैंस हैं वो सार्वजनिक रूप से मैच देख सके? जी बिल्कुल, ग्राम में तमाम हालांकि छोटे स्टेडियम जरूर हैं। जब बात करें ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो कि एक बड़ा स्टेडियम है, हालांकि वहां पर देखा जाता है कि वहां पे एक स्क्रीन जो है जरूर लगाई जाती है, चाहे विश्व कप की बात हो, 2020 वर्ल्ड कप की बात हो, तो ऐसे में वहां पर भी कल एक स्क्रीन जो है वो लगाई जाएगी, वहां पर भी मैच देखा जाएगा। वहीं छोटी छोटी जो स्टेडियम है, चाहे बात करें ग्राउंड है, वहां पर हालांकि इस तरीके के अभी जो प्रबंध है वो नहीं है, लेकिन अगर नए शहर, गुरुग्राम के नए शहर की बात करें, चाहे होटल्स की बात करें या क्लब बार्स की बात करें, तो वहां पे सभी जगह स्क्रीन का जो इंतजाम है वो किया गया है। टीएलएफ साइबर हब के अंदर एक बड़ी स्क्रीन जो है वो वहां पे लगाई गई है, ताकि वहां पे जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो वहां पर ही कल बड़ी स्क्रीन पर एक साथ एकत्रित होकर मैच देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी तादाद में गुरुग्राम में क्लब बार्स हैं, तो वहां पे भी एक जो मैच कल का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल है, उसका वहां पे स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको दिखाया जाएगा। तो ऐसे में काफी उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हवन यज्ञ गुरुग्राम में अलग अलग जगह पे आज भी हुए हैं और कल भी सुबह तकरीबन 8-9 बजे शीतला माता मंदिर में एक हवन यज्ञ जो है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए किया जा रहा है। तो वहीं ऐसे में लोगों को काफी उत्साह है कि भारत जो है एक बार फिर जिस तरीके से 1983 में वर्ल्ड कप पहला भारत ने जीता, फिर उसके बाद 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता, तो वहीं अब तीसरी बार एक बार फिर भारत जो है अपनी झोली में विश्व कप को जीतने के लिए एक बार फिर मैदान में उतरेगा। और कहीं ना कहीं लोगों को यही उम्मीद है कि इस बार जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है वो भारत की झोली में ही आएगी। जी बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप के मैच को अब महज 24 घंटे का समय बाकी है और ऐसे में लोगों का कॉन्फिडेंस भी अब डबल हो चुका है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि इस बार विश्व कप भारत ही उठाए और 2003 ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो मुकाबला हुआ था उस हार का बदला इस बार के मुकाबले में लिया जाए।